हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो ब्राज़ील में एप्पल के ऊपर $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। तो ऐसा क्यों लगा है और किसने लगाया है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। बात कर ली जाए कि एप्पल कैसे, कि आपको पता ही है कि आज के समय जिनकी आईफोन 12 सीरीज आई है उनके बाद से इन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया है। और अब हाल फिलहाल में जो नए स्मार्टफोन, जिसकी बात आईफोन 11 वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसमें भी आपको चार्जर नहीं दिया जाएगा। जैसे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जैसे ये जो इनकी मतलब पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने अलग अलग दिमाग लगाया है। बात ये, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने हेडफोन जैक निकाला, क्या देते थे बॉक्स में, और कनेक्टर दे देते थे, ईयरफोन दे देते, चार्जर दे देते और फ़ोन दे देते। फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा तो इन्होंने डोंगल हटा लिया, उन्होंने ईयरफोन दे देते, चार्जर दे देते, फ़ोन दे देते। फिर उसके बाद में क्या किया, इन्होंने ईयरफोन देना बंद कर दिया, फिर चार्जर देना स्टार्ट किया, उसके बाद में स्मार्टफोन देना स्टार्ट किया। अब जब से इनकी आईफोन 12 सीरीज़ आई है, इन्होंने चार्जर भी डब्बे से हटा दिया, उन्होंने आपको एक आईफोन दे दिया जाता है। 80,000 रुपये का आप ये आईफोन लीजिए और यूज कीजिए, और उसके बाद में 2,000 रुपये खर्चा करके आप एक चार्जर लीजिए। तो ब्राज़ील में क्या हुआ, जो ब्राज़ील कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है यानी ग्राहक सुरक्षा एजेंसी जो है, उन्होंने एप्पल के ऊपर $2 मिलियन यानी बात की जो 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने कहा है कि आप गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। उन्होंने क्या रीज़न दिया था कि हम जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं, जो ई वेस्टेज ना हो इसके लिए हम चार्जर नहीं दे रहे। जो ब्राज़ील की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी यानी बात की प्रोकोस, इनका नाम है प्रोकोस, उन्होंने पूछा है कि भाई आप हमें ये बताइए किस तरह से आप ई वेस्टेज को बचा रहे हैं, क्योंकि हमें तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है। क्योंकि इनमें जो चार्जर आता है, ठीक है, उसके अंदर एक केबल दिया जाता है, तो उसमें आपको USB टाइप सी टू टाइप सी है, और सब किसी के पास USB टाइप सी टू टाइप सी के चार्जर है ही नहीं। तो आप बताइए किस हिसाब से आप जो है ये वेस्टेज हो रहा है, उसे आप किस तरह से बचा रहे हो। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आपने कहा था कि अगर हम चार्जर डिब्बे से हटा देते तो प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन हमें तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि इसमें प्राइस कम किया गया, हालांकि प्राइस बढ़ाया ही गया है। उन्होंने ये भी फटकार लगाया है और 2 मिलियन का जो केस तो जुर्माना तो लगाया ही लगाया है ब्राज़ील ने। और आगे बात की जाए तो उन्होंने आगे ये भी पूछा है कि आप iOS अपडेट देके फ़ोन को स्लो कर देते हो, या यूं बात की जाए तो आप जो फोन में जो है कुछ ना कुछ बग जरूर ला देते हो, तो इसके ऊपर भी फटकार लगाई है। और उन्होंने कहा है कि आप अपने iOS को अच्छी तरह से रखिए, सही से अपडेट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उन्हें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो ब्राज़ील कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से जो एक्शन लिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी इसके पूरी तरह सपोर्ट में, क्योंकि आज के समय में ग्राहक का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कंपनी अपनी मनमानी करती रहती है, अब भाई चार्जर ही निकाल देते हैं। और ऐसा पहले ये सुनने में आया था कि एप्पल जो है iOS का अपडेट देके अपने फोन को स्लो कर देता, जिससे क्या हो, यूजर्स का जो यूजर एक्सपीरियंस वो खराब हो जाए और दूसरे फोन पे स्विच कर जाए, यानी एप्पल के ही नेक्स्ट जनरेशन वाले फोन पे स्विच कर जाए। तो ये तो सरासर गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्राहक होता है वो पैसा दे रहा है, फ्री में तो कोई चीज़ ले नहीं रहा है। तो भाई जो एप्पल वाले वो अलग ही तरह का मेंटोस खाए रहते, दिमाग लगाते रहते कि हम किस ना किस तरीके से पैसे कमा सके। और बात की जाए तो जो एप्पल है उसने चार्जर नहीं दिया तो वर्ल्ड वाइड समथिंग $112 मिलियन कमाए, यानी आप सोच सकते हो उन्होंने चार्जर ना देने से एप्पल कितना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो चार्जर का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक बच जाएगा, और सेकंड बात की जाए तो जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिपमेंट किया जाता है तो पूरा बॉक्स का जो है शिपमेंट नहीं लिया जाता, जो चार्ज होता है, टैक्स होता है, वो पूरे बॉक्स का नहीं लिया, बल्कि बॉक्स के अंदर का सामान का लिया जाता है, जैसे कि चार्जर का अलग, ईयरफोन का अलग, स्मार्टफोन का अलग। तो अब क्या इन्होंने चार्जर दिया नहीं, चार्जर का कॉस्ट बच गया प्लस चार्जर का टैक्स बच गया, और ऊपर से जो 2000 का चार्जर बेच रहे उसका रेवेन्यू अलग से हो गया। अब बताइए इतना घूम फिरा के इतने सारे पैसे कमा रहे हैं ये, इसके लिए जो ब्राज़ील कंज्यूमर एजेंसी है उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया और उन्हें जुर्माना पे करना पड़ेगा। या जहाँ तक अभी 90% तो यही लग रहा है, अब अगर देखते ऐसा पूरी दुनिया में हर जगह करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सरासर तो दादागिरी हुई, सरासर गलत बात हुआ। भाई चार्जर निकाल दे रहा हूँ, इतनी महंगी महंगी कंपनी, और एप्पल यूजर्स तो बोलेंगे भाई एप्पल इतना अच्छा है, हाँ भाई दे दे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई, इसको देख देख के भाई एंड्रॉइड भी फॉलो कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन था, आई थिंक मी इलेवन मैंने देखने को मिला, S21 अल्ट्रा, सैमसंग S21 अल्ट्रा जो हाल फिलहाल में, उसमें भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिला। तो भाई धीरे धीरे आईफोन ने किया तो एंड्रॉइड भी, जो उनके फ्लेक्सिबल लेवल है उसमें भी ये चार्जर रिमूव कर दे रहे हैं। तो सरासर ये गलत बात है, अब देखते आगे क्या होता है। तो चलेगा, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।